हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल खेल स्टेशन। तो दोस्तों, आज का मैं पे मैच स्कोर करने वाला है हमारा अंडर लीग का मैच, जो होगा हमारा मैच नंबर 29 TRT वर्सेस WF के बीच में। तो वैसे हम इस वीडियो में बात करेंगे आपसे पिच रिपोर्ट के बारे में, यहाँ पे वेन्यू स्टेट्स, प्रोबेबल 11 और हमारे यहाँ पर कुछ की प्लेयर्स। तो सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारी टीम इंडिया ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर ज़बरदस्त विन करा है और खूब सभी का भी अपना वहाँ पर फैंटेसी पे भी एक अच्छा कमाया हुआ, क्योंकि हमने कल का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो टॉस विनर और मैच विनर में आपको बताया था कि यहाँ पर इंडिया दोनों ही टॉस भी विन करेगी और मैच विन करेगी। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा। मैं आज के भी आपको टॉस विनर और मैच विनर यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से हम बात करेंगे हमारे वेन्यू स्टेट्स की। तो वेन्यू आज का हमारा होगा ट्रेंट ब्रिज का नॉटिंघम। और अगर यहाँ पर बात करूँ मैं पिच रिपोर्ट की, तो गाइस अगर यहाँ का आप एक एवरेज देखते फर्स्ट इनिंग का, एक 147 के अराउंड आपको दिख जाएगा। और फिर यहाँ से टीम बैटिंग सेकंड की बात करें, तो जो आपको चेजिंग वाली टीम है ना, उन्होंने यहाँ पर को लास्ट के 8 में से 5 मैच जीते हैं। तो मतलब जो मेजोरिटी है वो चेजिंग वाली टीम की काफ़ी अच्छी यहाँ पर को रही है। तो आज हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर जो चेज वाली टीम है काफ़ी अच्छा यहाँ पर काम करके जाए। अगर आप वेन्यू स्टेट थोड़ा सा ही डिटेल में जाना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं T20 की डोमेस्टिक स्टेट्स आपको यहाँ पर को दी हुई हैं। अब मैं यहाँ पर आपको लेके चलता हूँ आगे, जहाँ पर को मैं बात करूँगा इस पिच पर क्या हमारा एक पेस वर्सेस स्पिन रहा है और कौन सी अपनी आपकी जो दोनों टीमें हैं उनके फॉर्म। तो सबसे पहले यहाँ पे वेदर देखते हैं। वेदर आपको एक नॉर्मल दिखेगा, कोई ऐसा इंटरप्शन नहीं दिखेगा बारिश का, तो एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे मैच होने वाला है। अब अगर मैं फॉर्म की बात करूँ, देखो इस फॉर्म यहाँ पर WF का ना एक काफ़ी ज़्यादा बेकार चल रहा है। लास्ट का अगर आप 5 मैच देखो तो पूरा लॉस चल रहा है। तो मतलब इनसे ना एक उम्मीद काफ़ी कम रहेगी। एक तो देखो लॉस चल रहा है, प्लस इनका जो कॉन्फिडेंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक नीचे गिर चुका होगा। अब TRT का अगर आप फॉर्म देखते हो, उनके पास पहले से ही वहाँ पे हेल्स, एलेक्स हेल्स और डेविड मलान है। और अगर उनके आप लास्ट के 5 मैच देखते हो तो 3 वहाँ पर विन करके आए हैं, तो एक काफ़ी अच्छी बात होगी इस टीम के लिए। और जो इनका कॉन्फिडेंस है वो भी एक काफ़ी हाई लेवल रहने वाला है। अब चलते हैं अपन इस वेन्यू पर पेस वर्सेस स्पिन की तरफ में। तो पेसर्स का आप देखेंगे 57 विकेट है स्पिनर्स को 53 विकेट, तो मतलब कोई ज़्यादा आपको फासला नहीं दिखेगा, 4 विकेट का फासला। तो आपको बैलेंस अपनी टीम लेके जानी है। अब यहाँ से हम बात करने वाले हैं हमारे प्रोबेबल 11 के बारे में। एलेक्सिस, डेविड मलान, टॉम कॉलर, कार्डमोर। तो इनका जो आप देखेंगे ना टॉप ऑर्डर, ये इतना काफ़ी मजबूत है जो आपको मैच को एक वन साइड यहाँ पे लेके जा सकता है। फिर बात करते हैं समित पटेल की एंड लेविस जोरजरी, ये काफ़ी अच्छे यहाँ पे आपको ऑलराउंडर दिख जाएंगे। लेकिन कॉलिन मुनरो को जो एक बैटिंग पोजीशन है ना, इनको काफ़ी ज़्यादा नीचे कर दिया गया है। वो मेरे को समझ नहीं आया क्यों करा गया, लेकिन मुनरो एक टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, अगर उनको ऊपर खिलाया जाता है काफ़ी अच्छे यहाँ पे काम करके जा सकते हैं। डेनियल सैम की बात करें कि ऑलराउंडर पिक में से आपके डिफॉल्ट CVC चॉइस रहने वाले हैं, क्योंकि आपको बैटिंग भी कर लेते हैं और यहाँ पर को जो बॉलिंग की अगर बात करूँ वहाँ पर कोई विकेट निकालने में काफ़ी हद तक यहाँ पर सक्सेसफुल रहे हैं अभी तक। टॉम मूरस, ल्यूक वुड, सैम कुक एंड तमरीज शमसी। तो आपको ल्यूक वुड, सैम कुक और तमरीज शमसी इनके दिख जाएंगे मेन बॉलर, बाकी आपको समित पटेल और डेनियल सैम इनके ऑलराउंडर सेक्शन में मिलने वाले हैं। WF की तरफ से बात करते हैं, जॉय क्लार्क इनके रहेंगे विकेट कीपर, लेकिन यहाँ से अभी तक कुछ इनका खास प्रदर्शन नहीं रहा है। टॉम बेंटन, बेन डकेट, अगर आप बात करेंगे इनके टॉप ऑर्डर में, तो बस एक बेन डकेट से एक ऐसी उम्मीद है जो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अच्छा परफॉर्म करके जा सकते हैं। मैट क्रिसली एंड डेविड वेलर इनके होंगे थोड़े से मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन। अब बात करेंगे इनके ऑलराउंडर की, लूस डुप्लॉय, जॉस्कोप। जॉस्कोप का आपने देखा कभी एक दो मैचेस में इनका जो बैटिंग ऑर्डर था वो ऊपर था, लेकिन वहाँ पर को इन्होंने कुछ इतना बढ़िया काम नहीं करा, तो इसलिए अब इनका बैटिंग पोजीशन वापस से वहीं पर अपनी जगह पे आ गया है। ड्वेन पिटोरियस, अब यहाँ पर को देखो एक ही ऐसे प्लेयर हैं जिन पर आप थोड़ा सा यहाँ पर ट्रस्ट दिखा सकते हैं, क्योंकि इनको कभी कभार क्या होता है ना, प्रमोट कर दिया जाता है हिटिंग वगैरह के लिए, और वहाँ पर को इन्होंने अपनी जो नेशनल टीम है वहाँ पर भी एक टॉप ऑर्डर में बैटिंग करी है। अब बात करें इस सोदी, डेविड पेन एंड जैक बॉल, तो इनकी जो बैटिंग लाइन, सॉरी बॉलिंग लाइन है, वो यहाँ पर को थोड़ी एक डिसेंट यहाँ पर को दिखाई देती है। अब हम यहाँ से बात करने वाले हमारे आज के टॉपिक्स। सबसे पहले मैं बात करूँगा बैट्समैन में, तो एक इन्फॉर्म बैट्समैन आप कह सकते हैं अपनी टीम के लिए, एक लोन वॉरियर एक यहाँ पर को कहेंगे इन्हें तो गलत नहीं होगा। बेन डकेट की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, अगर इनका फॉर्म देखते तो इन्होंने 195 रन करे हैं 7 मैचेस में, और इनका एक एवरेज देखो ना 32 का एवरेज, अगर आप एक 100 का एक शॉर्ट फॉर्मेट है 32 का एक एवरेज लेके चलें तो मतलब काफ़ी अच्छी बात होगी। फिर प्लस पॉइंट ये होगा कि अगर देखो जब भी कोई एक बैट्समैन 30 रन यहाँ पे करके जाता है ना, उसको यहाँ पे बोनस पॉइंट मिल जाता है आपकी फैंटेसी में। अब यहाँ पर को बात करूँगा डेविड मलान की, तो एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज जो अपने काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, और अगर बात करूँ उनके लास्ट मैच की जिनका 59 रन का नॉक था, काफ़ी शानदार खेला उन्होंने, और अभी यहाँ पर कोई एक लीडिंग रन स्कोर आपको दिखाई देंगे 300 रन के साथ में, जहाँ पर उनका स्ट्राइक रेट है 175 का। तो अब बात करेंगे अपने यहाँ पे टॉप पिक्स में ऑलराउंडर की, तो समित पटेल एंड यहाँ पर आपको दिख जाएंगे डेनियल सैम, दोनों ऑलराउंडर सेक्शन में काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं। अब यहाँ पे देखो
टीआरटी दिखने वाली है, क्योंकि देखो इनका जो एक बैटिंग पोजीशन है, सारे जो ऑर्डर है इनके, और इनका जो फॉर्म है प्लस, ठीक है, तो वो आप सब चीज़ देखो तो आपको एक थोड़ा सा फेवर आप किसको करोगे, टीआरटी को। अब यहाँ पर को आप ऑलराउंडर भी उन्हीं के पिक करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी बात होगी, कि समित पटेल का कैरियर है टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगे प्लस यहाँ पर बॉलिंग करके जाएंगे। और डेनिस सैम का मैंने आपको बता दिया है अभी तक, यहाँ पर को उन्होंने 6 मैच में 6 विकेट लिए हैं और यहाँ पर को 66 रन स्कोर करे हैं, तो मतलब काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पर को दोनों चीज़ यहाँ पर कंट्रीब्यूट करके जा रहे हैं। अब बात करते हैं हमारे टॉपिक्स में बॉलर्स की एंड यहाँ पर को विकेट कीपर। तो बॉलर्स में नाम आएगा इस सोधी का। अब यहाँ पर देखो इन्होंने लास्ट के 4 से 5 मैच, यहाँ पे 5 मैच इन्होंने मिस करे, लेकिन जहाँ पर को इन्होंने 2 मैच खेले वहाँ पर को 4 विकेट निकाल लिए, तो इनका जो सिलेक्शन था ना वो काफ़ी ज़्यादा कम था जब ये आए थे यहाँ पर को। और अब यहाँ पे आप देखो कि बैक टू बैक यहाँ पे विकेट्स निकालें तो हमारी स्मॉल लीग टीम में एक मास्टर पिक होने चाहिए। टॉप पिक अब हम विकेट कीपर देखेंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे टॉम कॉलर कार्डमोर, एक ऐसे प्लेयर जो आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए दिखेंगे और अपने हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, तो काफ़ी अच्छे यहाँ पे हिटिंग करके जा सकते हैं अगर इनको मौका मिला तो। तो गाइस मैच विनर हमारे आज के होंगे चेस की साइड वाली, और यहाँ पर देखो टीआरटी अगर यहाँ पर टॉस विन करेगी तो यहाँ पर को पहले बॉलिंग करेगी और चेस करना पसंद करेगी, क्योंकि अभी आपको मैंने स्टैट्स दिखाए तो वहाँ पर को एक चेसिंग काफ़ी अच्छा फेवरेट जा रहा है। तो गाइस यहाँ पर को सारा काम जो होगा स्टैट्स और एनालिसिस के बेस पे होगा, बाकी आपको जो फाइनल टीम मिलेगी वो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना कैसे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे तो आपको वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखाई देगा, तो आप वहाँ पर जाइए जल्दी से जुड़ जाइए। और जिसने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं करा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैच।